हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम आज चैप्टर 3 ओनली ही कुड लीड देम आगे डिस्कस करेंगे, पार्ट 5। वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे गए और सबके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहा। तो आज क्या होता है एक दिन कि मालती माता जी आती हैं और वो बहुत एक्साइटेडली प्रभुपाद के पास जाती हैं और अपने बैग से एक वुडन डॉल निकालती हैं और वो प्रभुपाद के आगे रखी कहती हैं, व्हाट इज दिस स्वामी जी? तो प्रभुपाद उसको देखते हैं, वो ब्लैक कलर का डॉल होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती है, बड़ी सी स्माइल होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं, सर झुका के कहते हैं, यू हैव ब्रॉट लॉर्ड जगन्नाथ, आप जगन्नाथ को लाए हैं, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो सब बहुत हैरान होते हैं कि प्रभुपाद इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए एक छोटा सा डॉल देख के। प्रभुपाद कहते हैं, ये डॉल नहीं है, ये भगवान है, हेयर इज कृष्णा, ये कृष्ण है, इनको पूरे भारत में पूजा जाता है। इनके साथ दो और होंगे जहाँ से भी आप ये लाए हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, एक येलो कलर और एक वाइट कलर के दो डॉल्स और थे। तो प्रभुपाद ने कहा, उनको भी लेके आओ। तो फिर मालती माता जी अपने हस्बैंड श्याम सुंदर प्रभु के साथ जाती हैं बहुत जल्दी, और फिर बाकी दो छोटे से वुडन भगवान के जो डीटीज थे वो लेके आती हैं। उसके बाद प्रभुपाद उनको सीक्वेंस में रखते हैं। तो वो पहली बार देख रहे थे, जगन्नाथ जी को राइट में रखते हैं, बीच में येलो कलर में सुभद्रा माई, और फिर उनके लेफ्ट में बलदेव वाइट कलर के। फिर प्रभुपाद कहते हैं, क्या किसी को मूर्तिकारी करना, कोई मूर्तिकार है, किसी ने कभी पहले कुछ किया ऐसा? तो श्याम सुंदर जो थे, श्याम सुंदर प्रभु, वो कंफर्म करते हैं कि हाँ, मैंने किया है पहले। तो प्रभुपाद उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे 3 फुट हाई, ऐसे 3 फीट हाई जगन्नाथ जी के विग्रह को कार्व कीजिए वुडन से। तो फिर प्रभुपाद जगन्नाथ जी की पहली बार उनको स्टोरी बताते हैं कि आज से 2000 साल पहले एक राजा थे, इंद्रद्युम्न महाराज। तो वो जगन्नाथ जी को वर्शिप करना चाहते थे, वो भगवान के उस रूप को वर्शिप करना चाहते थे जो रथ में बैठ के कुरुक्षेत्र गए थे अपने भाई बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा माई के साथ। तो फिर वो स्वर्ग से विश्वकर्मा को बुलाते हैं, जो कि सबसे फेमस आर्टिस्ट हैं, और विश्वकर्मा को कहते हैं, आप ऐसा भगवान का विग्रह को बना के दीजिए। तो फिर वो कहते हैं, लेकिन एक शर्त है, जब मैं विग्रह को बना रहा होगा तब कोई बीच में इंटरप्ट ना करे मुझे, कोई बाधा ना डाले, अगर कोई बीच में आ गया तो मैं उसी वक्त उस कार्य को छोड़ दूंगा। तो बहुत समय तक जो इंद्रद्युम्न महाराज थे वो वेट कर रहे थे, अंदर से आवाज आती थी ठक 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 ठक, लेकिन एक दिन आवाज आनी बंद हो गई और उनसे रुका नहीं गया राजा से। तो वो अंदर आ गए और विश्वकर्मा ने जो अपनी शर्त रखी थी उसका पालन करते हुए वो चले गए। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज ने डीटीज देखे तो वो इस तरह से थे कि भगवान के हाथ पूरे नहीं हुए थे, पैर नहीं थे, और ऐसे बलदेव जी के थे, लेकिन वो फिर भी इतने सुंदर लग रहे थे। उन्होंने कहा, हम इन्हीं डीटीज को एस्टेब्लिश करेंगे। और फिर उड़ीसा के सबसे बड़े जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के उस रूप की स्थापना की गई और बहुत ही ऐश्वर्य के साथ उनकी पूजा की जाती है। फिर प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एक जगन्नाथपुरी जगह है, वहाँ पे जगन्नाथ भगवान रहते हैं, तो वहाँ पे पूरे भारत में हर साल एक बहुत बड़ी, जिसमें 5 मिलियन लगभग लोग आते हैं, 5 करोड़ लोग आते हैं, और एक रथ यात्रा निकलती है। तो भगवान रथ पे बैठते हैं, तीनों तीन बड़े बड़े रथ निकलते हैं। और फिर प्रभुपाद बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के जो आखिरी 18 साल थे जगन्नाथपुरी में रहे, और वो वहां पे उस रथ यात्रा में इतना नृत्य, इतने आनंद में भाव विभोर होकर नृत्य करते थे जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन ये आप सबका परम सौभाग्य है कि सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ आए हैं, और आपको बहुत अच्छे से इनको रिसीव करना है, बहुत अच्छे से इनकी अर्चना करनी है। इसलिए अगर आपने तुरंत, मतलब अगर आपने समय से इनकी
अगर श्याम सुंदर प्रभु ने इनको कार्व कर दिया समय से, तो मैं खुद इनको स्थापित करके जाऊंगा। और सैन फ्रांसिस्को का नाम उन्होंने रखा न्यू जगन्नाथपुरी। और फिर प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को देख के कहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कि हे जगन्नाथ भगवान आप मेरे सामने दृष्टि गोचर होइए। तो प्रभुपाद ने कहा ये बहुत ही सौभाग्य आप सबका कि जगन्नाथ भगवान खुद यहाँ प्रकट हुए हैं। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु बड़े बड़े 3 वुडन ब्लॉक्स लाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, फिर प्रभुपाद उन्हें एक स्केच बना के देते हैं और पूरी डिटेल सारे, जब बड़ी विग्रह बनेगी तो क्या रेशियो क्या डायमेंशन होने चाहिए, सब प्रभुपाद उनको अच्छे से बताते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं अब आप जैसे ही स्थापित जैसे ये बन जाएंगे पूरे विग्रह, तो आप इनकी रोज अर्चना कीजिए। प्रभुपाद ने कहा राधा कृष्ण की जो अर्चना है उसको करने के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जो अभी डिवोटीज नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ने कहा जैसे जैसे आप एडवांस होंगे भक्ति में, तो फिर आपको मैं और डीटी वर्शिप के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप जगन्नाथ जी की अर्चना कीजिए। जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, ही इज वेरी मर्सीफुल, तो आप उनको सिंपली चैंटिंग करके डेली प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी है, इसलिए आप इनकी अभी विग्रह की अर्चना कीजिए। फिर बहुत जल्द प्रभुपाद ने उनकी स्थापना की, और उसके बाद इंस्टॉलेशन का जब दिन आया तो वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल लग रहा था। तो इतने लोग थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर पे बैठे थे, अभी उनका मतलब पहला दिन था तो अभी कोई ऑर्नामेंट्स कोई ड्रेस नहीं पहनाया था, तो सिर्फ ब्लैक कलर के सुंदर से न्यूली पेंटेड जगन्नाथ जी, बलदेव वाइट और सुभद्रा माई येलो कलर में, और पूरा रूम गेस्ट और हिपीज से भरा हुआ था। उसके बाद प्रभुपाद जब जगन्नाथ जी को देख रहे थे तो बहुत प्रसन्न थे, तो वो सोच रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, भक्त मंदिर और चैंटिंग, सब कुछ अभी प्रेजेंट है, और प्रभुपाद चाहते थे कि ये सब जो अभी उपस्थित हैं ये सब इसका पूरा पूरा फायदा लें। और वो ये जो आध्यात्मिक जीवन बहुत ही रूखा सूखा समझ रहे हैं, है ना, ध्यान लगाओ और कोई वॉयडिज्म कि उसमें लीन हो जाना है हमें, ये सब चीजों से प्रभुपाद कहते थे ये जो रस है आध्यात्मिक जीवन का, अर्च विग्रह की सेवा, कीर्तन, प्रसादम, ये सब उनको मिल रहा है, इनका वो पूरा पूरा फायदा ले, प्रभुपाद उनको ये देना चाहते थे। और ये देने के लिए प्रभुपाद उनके टायरलेस सर्वेंट, है ना, सारा समय सिर्फ उनको ये सिखाना कैसे आपको पूजा करनी है सब सिखा रहे थे उनके सेवक बन के। फिर प्रभुपाद हयग्रीव प्रभु को बुलाते हैं और कहते हैं इंस्टॉलेशन के दिन पे कि ये जगन्नाथ जी हैं, आप ये कैंडल्स को जलाइए एक प्लेट में, और ऐसे आरती जैसे करते हैं उनको प्रभुपाद से कहते हैं यू हैव टू रोटेट इन सर्कल्स, इस तरह से आप गोल गोल घुमाइए थाली को। और प्रभुपाद ने कहा आप ऐसे करते रहिए जब तक पीछे कीर्तन चल रहा है, जब आप थक जाएंगे तो किसी और भक्त को बुलाइएगा और फिर वो करेगा, फिर जब वो थक जाएगा तीसरे को बुलाना, फिर चौथा, ऐसे करते करते प्लेट एक दूसरे को पास करते जाना है, लेकिन ये आपको करते रहना है पूरा डीटीज के आगे जब तक कीर्तन चल रहा है। तो फिर प्रभुपाद कीर्तन करते हैं और फिर हयग्रीव प्रभु आरती की थाली घुमाना शुरू करते हैं, और फिर ऐसे करते करते जैसे प्रभुपाद ने सिखाया था वो सब एक दूसरे को थाली देते जाते हैं। फिर बहुत तेज कीर्तन, जो प्रभुपाद की जो अपनी एक ट्यून है उसी में प्रभुपाद कीर्तन करते हैं, हिप्पीज और सारे गेस्ट सब बहुत डांस करते हैं। और तब उनमें से कुछ डिवोटीज थे जो बताते हैं कि हमने जैसे हर बार सुना था प्रभुपाद के मुख से कि वी हैव टू फिक्स आवर माइंड ऑन कृष्णा, तो नाउ फर्स्ट टाइम आज पहली बार हम कृष्णा को देख रहे हैं, तो हमें महसूस हुआ ओके अब हमें अपना मन इन पे फिक्स करना है, दीज आर हेयर इज कृष्णा। तो डीटी इंस्टॉलेशन जो था, यहाँ सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं, वैसे तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है इंडिया में देखा जाए तो, डीटी इंस्टॉलेशन बहुत दिनों तक चलता है, बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, और लेकिन यहाँ पे ये सब अवेलेबल नहीं था, तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल डीटी इंस्टॉलेशन किया। महाराज लिखते हैं कि इंडिया के ब्राह्मणों के हिसाब से तो हम लोग जगन्नाथ जी को वर्शिप करना तो छोड़ो, हम जगन्नाथ जी को देखने लायक भी नहीं थे। तो क्योंकि भारत में जगन्नाथपुरी मंदिर में पाश्चात्य देश के लोगों को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं
आचार्यों के मुताबिक ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये जात पात के मुताबिक ये सिर्फ लोगों की लगाई हुई है, शास्त्र अनुसार ये बिल्कुल भी सही नहीं है, शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। शुक्ला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने खुद डीटी वर्शिप सबको बिना जात पात के भेद के कोई नेशनैलिटी से ऊपर डीटी वर्शिप सबको दिया, दीक्षा सबको दी। शुक्ला भक्ति विनोद ठाकुर का तो ये स्वप्न था कि कब पाश्चात्य के लोग हमारे जो भाई हैं वो आए और हमारे साथ हरे कृष्णा कीर्तन में नृत्य करें। और प्रभुपाद आज सबका जो इच्छा है, सबकी जो डिजायर है अपने गुरु की और सारे आचार्यों की और शास्त्र की, वो सब पूरी कर रहे हैं वहाँ पे। वो उन सबको डीटी वर्शिप दे रहे हैं ताकि उनका शुद्धिकरण हो। डीटी वर्शिप जरूरी था। तो जब कीर्तन एंड होता है तो प्रभुपाद कहते हैं, भागवतम हमें कहती है श्रवण कीर्तन स्मरण और अर्चनम। तो ये जो भी आप कर रहे हैं ये अर्चन है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कहते हैं आपको ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको रोज इस तरह से आरती करनी है भगवान की और बहुत जल्द आपको परम सत्य का अनुभव हो जाएगा इस तरह से। प्रभुपाद कहते हैं और एक इंस्ट्रक्शन कि आप सब रोज जब मंदिर में आएंगे तो कम से कम एक फ्लावर और एक फ्रूट लेके आएंगे, कोई भी खाली हाथ ना आए। और ये बहुत महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ कोई लाना चाहता है फूल और मतलब वन फ्लावर वन फ्रूट ही नहीं, कोई बहुत मोर फ्लावर्स और मोर फ्रूट लाना चाहता है बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट वन फ्लावर एंड वन फ्रूट सबको लेके आना है। उसके बाद प्रभुपाद ने कहा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और बहुत ही लैविश या फिर ऑप्यूलेंट प्रसाद था, समोसा हलवा पूड़ी दाल बहुत तरह की सब्जियां स्वीट्स इतना सारा प्रसादम था, सब इतना प्रसन्न होके पेट भर के खा रहे थे। और प्रभुपाद ने कहा वेरी नाइस प्रिपरेशन, बहुत ही सुंदर सबने तैयार किया प्रसाद एंड ऑल ग्लोरीज टू द कुकर्स जिन्होंने बनाया है। फिर जब प्रभुपाद ने कहा कि सब डीटीज के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे तो सबने ये सुना। अब कुछ दिनों में क्या होने लगा कि हिप्पीज जो भी लाते थे जगन्नाथ जी को लाके पहले ऑफर करते थे, नए कपड़े भी अगर वो खरीदते थे तो वो पहनेंगे नहीं, पहले जगन्नाथ जी को ऑफर करेंगे, फिर वो सोचते थे हाँ अब हमें ब्लेसिंग मिल गई अब हम नए कपड़े पहनेंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोग थे जिनको जगन्नाथ जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उन्हें ब्लेसिंग चाहिए, तो जो भी आते थे सब ब्लेस कृपा कर दे भगवान बस हम पे। इस तरह से जगन्नाथ जी से सबको बहुत अटैचमेंट हो गया। जैसे ही जगन्नाथ जी की एस्टैब्लिश किया इंस्टॉल किया, मंदिर एक तरह से बदल गया, मतलब इतना सुंदर लगने लगा सबको, सब आने लगे सिर्फ जगन्नाथ जी को देखने के लिए। और डिवोटीज ने जैसे प्रभुपाद ने सिखाया था रोज शाम को वो इस तरह से आरती करते थे, आरती की थाली घुमाते थे, एक दूसरे को देते जाते थे जैसे प्रभुपाद ने सिखाया था। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने प्रभुपाद से जाके खुद पूछा कि हम डीटी वर्शिप में और क्या कर सकते हैं प्रभुपाद, बस ऐसे आरती की थाली घुमाते रहे। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ आप अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं। तो फिर उन्होंने अगरबत्ती भी शुरू की। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली तो डीटी वर्शिप इतनी ज्यादा है कि 24 घंटे भी आपको कम पड़ेंगे लेकिन अभी आप इतना ही कीजिए। फिर प्रभुपाद उनको अपने एक डिसाइपल को रूम में कुछ डिसाइपल्स को बताते हैं कि जब जगन्नाथ जी की इंस्टॉलेशन हो रही थी और जब हम कीर्तन कर रहे थे तब मुझे स्मरण हो रहा था, प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे और वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो पूरा जगन्नाथ बोल भी नहीं पाते थे, जग 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 करके बेहोश हो जाते थे। और कहते थे कि वो कहते थे महाप्रभु कि कृष्णा मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ और अब मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, इतने समय से मैं इंतजार कर रहा हूँ। और वो जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी तो 4 टीम्स बनती थी और हर टीम में 8 मृदंग 16 करताल बजते थे, महाप्रभु बीच में नृत्य करते थे और हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता था। तो प्रभुपाद ये स्मरण कर रहे थे ऐसा वो अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स यहाँ पे सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि तब हम सुन रहे थे जब प्रभुपाद के मुख से ये, तो हमें लगा कि हमारे में और प्रभुपाद में कितना ज्यादा फर्क है। जब हम कीर्तन में थे तो हम तो नॉर्मल कीर्तन में ही थे लेकिन प्रभुपाद को क्या स्मरण हो रहा है कि महाप्रभु कैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी का कीर्तन करते थे। तो कहते महाराज यहाँ लिखते हैं कि कभी कभी हम स्वामी जी के साथ इतना क्लोजली रह रहे थे कि हम भूल जाते थे कि स्वामी जी का लेवल कितना हाई है। वो कहते वो हमारे साथ खाते थे, वो हमारे साथ मजाक करते थे और एक्सटर्नली ऐसा लगता था कि वो हम पे डिपेंडेंट है, प्रभुपाद हर चीज के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब प्रभुपाद कुछ ऐसे ही रियलाइजेशन शेयर करते थे तब हमें
तुरंत महसूस होता था कि नहीं वो बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं, और कीर्तन में उनका ये जो स्मरण जो वो अपना शेयर कर रहे थे तब हमें महसूस हुआ। तब यहाँ पे महाराज लिखते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि उनमें और हम में बहुत ज़्यादा अंतर है, और तब भी उसके बावजूद भी वो हमारे साथ हमारे मित्र बन के रहते हैं और हमारे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर, हमारे गुरु बन के भी हैं। लेकिन वो ये भाव रखते थे कि वो हमारे सेवक हैं, वो हमारे दास हैं, और वो हमें सिखा रहे थे एक एक चीज़ कि कैसे प्रार्थना करनी है। वो जो हमें ये अपनी रियलाइजेशन भी शेयर कर रहे थे वो हमें यही सिखा रहे थे कि कैसे भगवान से प्रार्थना करनी है, कैसे उनकी सेवा करनी है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।